नेज़ोफेरेंजियल कैंसर ये एक मल्टीफेक्टोरियल डिसीज़ है इसका इंसिडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी पे इन्वायरमेंटल फैक्टर पे, डाइट पे, पर्सनल हैबिट पे। ये चाइनीज़ में मोट पाया जाता है इंडियन में रेयर पाया जाता है जो बर्निंग बुड यूज करते हैं बर्निंग वुड में क्या निकलता है पोलिसाइकिक हाइड्रोकार्बन निकलता है या फिर जो फिश को साल्टेड फिश को प्रिजर्व करते हैं नाइट्रोसाइमीन में या विटामिन सी डेफिशिएंसी होती है डाइट में वहाँ ये ज़्यादा पाया जाता है क्या आइटियोलॉजी होती है जेनेटिक च चाइनीज़ में ज़्यादा पाया जाता है वायरल से इसका एसोसिएशन है किस वायरस से एफ्सटीन बार वायरस से तो इसीलिए हम स्क्रीनिंग करने में इस कैंसर की स्क्रीनिंग में एप्सटिन बार वायरस के एंटीजन का यूज़ करते हैं दो तरह के एंटीजन होते हैं एक वायरल कैस्पिड एंटीजन और दूसरा अर्ली एंटीजन जो वायरल कैस्पिड एंटीजन होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है और जो अर्ली एंटीजन है वो हाईली स्पेसिफिक होता है इसके प्रति जो एंटीबॉडी होती है आई तो इसलिए हम दोनों को कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं फॉर स्क्रीनिंग ऑफ पीपल आगे है smoking, face, ही इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे एयर पोल्यूशन स्मोकिंग नाइट्रोसामिन इन ड्राई साल्टेड फेस स्मोक बुड ये पैथोलॉजिकल फैक्टर है इन्वायरमेंटल फैक्टर है क्या पैथोलॉजी होती है इसकी ये मोर पाया जाता है स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा और दूसरे वेरियंट वेरायटी के भी पाए जाते हैं कैंसर जैसे ट्रांजिएंट सेल कार्सिनोमा लिम्फो एपिथिलियोमा बट मोर कॉमन सेल कार्सिनोमा है इसके ग्रोसली यदि हम क्लासिफाई करें तो तीन तरह से होता है प्रोलीफरेटिव इसमें पोलीपोइडल ट्यूमर मिलता है जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है नेजल कैविटी को उसके अलावा अल्सरेटिव या एपिस्टेक्सिस करता है इनफिल्ट्रेटिव ये इन्फिल्ट्रेट करता है सब म्यूकोसिली उसके अलावा डब्ल्यू एच ओ का क्लासिफिकेशन हिस्टोपैथोलॉजिकल तीन तरह से होता है टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री टाइप वन जो होता है वो क्रेटेनाइजिंग कार्सिनोमा है टाइप टू नॉन क्रेटेनाइजिंग डिफ्रेंशिएटेड कार्सिनोमा है और टाइप थ्री नॉन क्रेटिनाइजिंग अनडिफ्रेंसीएटेड कार्सिनोमा है ये डिफ्रेंसीटेड या अनडिफ्रेंसीटेड ये नॉन क्रेटेनाइजिंग नॉन क्रेटेनाइजिंग और ये क्रेटेनाइजिंग आगे अगर अपन बात करें इसके स्प्रेड की और इसके क्लिनिकल फीचर की तो हम डायरेक्ट इससे कर लेते हैं चार्ट से तो इसमें क्या है जो कार्सिनोमा नेजोफेरिंग्स है यदि वो यूस्टिकन ट्यूब में जाता है तो ये स्प्रेड होगा यूस्टेकियन ट्यूब में स्प्रेड होता है तो सीरसोटाइटिस मीडिया करता है यदि ये नोस या ऑर्बिट में स्प्रेड करेगा

तो ये लगभग ऑलमोस्ट आल नर्व को इन्वॉल्व कर लेता है जो नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा होता है इसमें अपने को एक ट्रोटर टाइड मिलता है ट्रोटर ट्रायड क्या होता है इस ट्रायड में तो जो ट्रोटर्स ट्राइड होता है उसमें तीन फीचर होते हैं पहला है कंडक्टिव डेफनेस मिलता है क्योंकि यूस्टेकियन ट्यूब ब्लॉक होती है दूसरा होता है फिफ्थ नर्व के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इप्सिलेटरल टेम्पेरोपेराइटल न्यूरेजिया और तीसरा फीचर होता है टेंथ नर्व के इन्वॉल्वमेंट की वजह से पैलेटल पैरालिसिस तो ये ट्राइड है टोटर्स ट्राइड हमें निजोफेरेंजियल कार्सिनोमा में ध्यान रखना है कि यहाँ नेक में मांस मिलता है आगे डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं एंडोस्कोपिक इवोल्यूशन करते हैं रिजिट या फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप यूज करते हैं इमेजिंग स्टडी जैसे सिटी स्कैन एम करी जाती है एक्सरे और बायोप्सी की जाती है और एंजियोग्राम ऑडियोग्राम हम करते हैं यदि डायग्नोसिस बनाने के लिए सीरस ओटाइटिस मीडिया के लिए आगे इसके ट्रीटमेंट पे हमें ध्यान देना है कि जो स्टेज फर्स्ट है और सेकंड है उसमें हम रेडियोथेरेपी अलोन से ट्रीट करते हैं जबकि जो स्टेज थर्ड और फोर्थ होती है उसमें कनकरेंट रेडियो और कीमोथेरेपी यूज़ किया जाता है या फिर रेडियोथेरेपी पहले दी जाती है फिर कीमोथेरेपी दी जाती है तो जो कीमोथेरेपी है वो स्टेज थ्री और फोर कैंसर के लिए दी जाती है उसके अलावा जो बार बार यदि रिक्रेंट हो रहे हैं या रेसिडुअल बच गया है ये डिसीज़ तो उसमें हम रेडिकल नेक डिसेक्शन कर सकते हैं या फिर रेडिकल नेक डिसेक्शन करते हैं या फिर हम ब्रेकि थेरेपी या नेज़ोफेरेंजटोमी करते हैं तो ये हमने कंप्लीट करा नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा थैंक यू